किसान भाइयों की डिमांड पर कंपनी ने लॉन्च किया 50 एचपी श्रेणी का सबसे शानदार ट्रैक्टर, जो कि आता है भाई साहब 45.16 हॉर्स पावर की मल्टी स्पीड पीडी, यानी कि 24 गियर की स्पीड के साथ में। और भाई साहब एक चीज बता दें, मैसी फर्गूसन अपने ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब क्वाड्रा पीडीयू देता है, तो नो डाउट भाई साहब परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। किसान भाई खुद कमेंट करके बताएं, और वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर कुछ नए बदलाव जो कंपनी ने किए हुए हैं, क्या कैसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जैसे कि भाई साहब स्मार्ट सीरीज़ का ट्रैक्टर है, तो मैसी फर्गूसन का ऑलमोस्ट सिंबल रहता है इस टाइप का, कि अपने मैसी फर्गूसन के ट्रैक्टर में भाई साहब इस टाइप का लुकिंग जरूर एड ऑन करता है मैसी, जो भी स्मार्ट सीरीज़ के ट्रैक्टर होते हैं, चाहे इनका 95/63 हो, CIDI ट्रैक्टर हो, 60 HP हो, 65 HP हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो फ्रंट में फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट है, कंपनी ने करारो ड्राइव टेक कंपनी की फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट का यूज़ किया हुआ है, जो कि मैसी फर्गूसन भाई साहब ऑल टाइम अपने ट्रैक्टर के अंदर करता है। नॉन क्रॉस वाली फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट है, इसलिए टेंशन है ही नहीं भाई साहब। आप इस ट्रैक्टर में रोटर वेटर जैसे कामों के लिए कंपनी ने स्पेशली इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया है, उसी हिसाब से भाई साहब पीडीयू पावर भी कंपनी ने एड ऑन की हुई है। फ्रंट वेट वगैरह की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर भाई साहब कंपनी ने एक शानदार फ्रंट बम्पर अब एड ऑन कर दिया है ट्रैक्टर के अंदर, जो कि है भाई साहब इसमें कम से कम आपको 75 से 100 केजी तक का फ्रंट बम्पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि आप इसके अंदर वेट वगैरह और एड ऑन करना चाहते हैं ना, तो कंपनी ने उसके लिए भी भाई साहब व्यवस्था की हुई है, आप वो चीज़ें भी जो है फ्रंट वेट वगैरह लगा सकते हैं। और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले रहे हैं तो भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट वेट तो बनता है कम से कम 100 केजी का। इससे होता क्या है भाई साहब, ट्रैक्टर के फ्रंट टायर को ना ट्रैक्शंस अच्छा मिल जाता है जमीन के साथ, जिससे भाई साहब ट्रैक्टर का अगला टायर स्लीपेज वगैरह या राउंड वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात कर लें यदि हम इस ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टीयरिंग वगैरह की, तो डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, जो कि मैसी फर्गूसन अपने हर एक ट्रैक्टर के अंदर करता है, जिससे भाई साहब आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है लंबे समय तक। और इसके अंदर भी कंपनी ने एक चीज़ अच्छी की हुई है, कि स्टेयरिंग के अंदर जो ऑयल बॉक्स है कंपनी ने भाई साहब सेफरेट लगा के दिया हुआ है, जिसके कारण दोस्तों आपको जो स्टेयरिंग के अंदर स्मूथनेस है लंबे टाइम तक देखने के लिए मिल जाएगी। बैटरी वगैरह की यदि हम बात करें, तो एमरान कंपनी की 12V 88H के साथ में आने वाली बैटरी आपको जो है ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। ड्राइव टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिल जाएगा, चोक सेंसर के साथ में कंपनी ने जो है ट्रैक्टर के अंदर एयर फिल्टर दिया हुआ है, तो भाई साहब कभी चोक वगैरह होता है तो उसका इंडिकेटर वगैरह आपको ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि डैशबोर्ड वगैरह के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर कूलेंट बॉक्स लगा हुआ है, जिससे दोस्तों आप इस ट्रैक्टर के अंदर टाइम टू टाइम भाई साहब रिफिलिंग वगैरह कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, यदि आपका ट्रैक्टर भी वाटर कूल्ड इंजन के साथ में आता है, तो भाई साहब उस ट्रैक्टर के अंदर आप प्रॉपर कूलेंट ही डालें, कभी भी पानी वगैरह ना डालें। इससे यदि आप पानी वगैरह डालते हैं, तो जो हमारी भाई साहब ब्लॉक वगैरह होती है या जो रिफिलिंग लाइन वगैरह होती है जहाँ पर कूलेंट दौड़ता है, उस लाइन वगैरह में कई बार जंग वगैरह की समस्या देखी गई है, जिसके कारण आपको लंबा चौड़ा खर्चा उठाने को पड़ सकता है। ट्रैक्टर के अंदर इंजन की बात करें, तो पूरे 2700 cc का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेडेड बॉस कंपनी फ्यूल इनलाइन पंप प्लेंजर पंप के साथ में कंपनी ने जो है ट्रैक्टर के अंदर 50 HP का इंजन दिया हुआ है, जो कि 2540 से लेके ऑलमोस्ट 2150 या 2200 रेटेड RPM तक जाके आपको जो है पावर प्रदान करने वाला है। 205 Nm का टॉर्क लगभग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाएगा। ये है दोस्तों मैसी फर्गूसन कंपनी की तरफ से आने वाला 2024 का एकदम लेटेस्ट मॉडल मैसी फर्गूसन 254 फोर व्हील ड्राइव DI डायना ट्रैक, जिसको कंपनी ने स्पेशली पडलिंग जैसे कामों को बनाया है। इसमें चाहे बात करें भाई साहब टायर साइज की, ट्रैक्टर के टॉर्क की, माइलेज की, लुकिंग की, कंपनी ने जो है ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो है इस ट्रैक्टर के अंदर इन्हेंस करके दिए हुए हैं, जिसके कारण भाई साहब एक कंप्लीट पैकेज 50 HP की श्रेणी में आपको ये होने वाला है ट्रैक्टर। टायर साइज वगैरह की यदि हम बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी ने MRF वगैरह के टायर दिए हुए हैं, 9x20 का जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर अगला टायर देखने के लिए मिल जाएगा। और पिछले टायर के अंदर भी यदि हम बात करें, तो कंपनी ने भाई साहब किसानों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए MRF कंपनी का टायर दिया हुआ है, 14x28 का टायर मिलेगा। और साथ ही भाई साहब मैसी के ट्रैक्टरों में जैसे कि आपको राउंडिंग वगैरह ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर भाई साहब कंपनी ने उसके ऊपर आप देख सकते हैं व्हील के ऊपर भाई साहब हैवी वेट भी 32 kg का लगा के दिया हुआ है, जिसके कारण भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर राउंडिंग वगैरह भी आपको बेहद कम देखने के लिए मिलेगी, ना के बराबर।
साथ ही दोस्तों, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के अंदर यदि भाई साहब ब्रेक वगैरह हो गया या हमारी क्लच प्लेट वगैरह बरसात के दिनों में जब ट्रैक्टर खड़ा रहता है तो जाम वगैरह हो जाती है, तो आपको पूरा भाई साहब ट्रैक्टर को दो पार्ट में खोलना पड़ता है। तो ये चीज़ कंपनी ने बहुत अच्छी कर दी है, यहाँ से खोल के वो चीज़ें जो है आप सुधार सकते हैं, रीमेंटेन कर सकते हैं। इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की करें तो 65 कह सकते हैं भाई साहब 45 HP के बराबर इस ट्रैक्टर के अंदर 265 kW का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होने वाला है, और PDU के अंदर 31.8 kW का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है, जिसके कारण भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है डीजल खपत की यदि हम बात करें तो 45 HP की श्रेणी के बराबर ट्रैक्टरों का जो डीजल खपत होता है वह डीजल खपत पे आपको 50 HP की पावर आपको जनरेट करके देगा। और भाई साहब मैसी का जो ट्रैक्टर है बेहतर माइलेज और लंबे समय तक की ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर के लिए जाने जाते हैं। साथ ही कंपनी ने यहाँ पर भाई साहब सिंगल डीजल फिल्टर विथ वाटर सेपरेटर लगाया हुआ है, जिसके कारण किसान भाइयों आप जो है इस ट्रैक्टर के अंदर लंबे समय तक आप जो है इसी डीजल फिल्टर वाटर सेपरेटर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भाई साहब आपको जो है टेंडम पंप मिल जाते हैं, आसान सी भाषा में इसको यदि हम बोलें तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर डुअल पंप कंपनी ने एड ऑन किए हुए हैं, जिसके अंदर आपको ऑयल की सप्लाई लगभग 32 से 34 LPM की मिलने वाली है, जिससे आपको पावर स्टीयरिंग या हाइड्रोलिक के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी मिलेगी। और भाई साहब हो ही क्यों ना, मैसी फर्गूसन जाना ही जाता है अपनी बेहतर और शानदार लिफ्ट वगैरह के लिए। साथ ही साथ दोस्तों ऊपर की तरफ चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, मतलब लुकिंग वाइज भी बात करें और फीचर्स की भी यदि हम बात करें तो बहुत सारे एड ऑन किए हुए हैं, जिसके कारण आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ऑयल टेम्परेचर, बैटरी सर्विस रिमाइंडर जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही भाई साहब मैसी ट्रैक्टर ने अपने ट्रैक्टर के अंदर शटल गियर का सपोर्ट ही दे दिया है, जिसके कारण आप इस ट्रैक्टर में किसी भी गियर में चाहो आगे दौड़ाओ या पीछे दौड़ाओ भाई साहब पावर और परफॉर्मेंस आपको वही मिलने वाली है जैसे कि एक नंबर में और वैसे ही चार नंबर में, मतलब 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स टोटल 24 गियर स्पीड का सपोर्ट जो है आपको इस मॉडल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर के राइट तरफ यदि हम बात कर लें तो DC PC लीवर आपको जो है मिल जाते हैं भाई साहब, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है मेन लीवर मिलेगा जिसके अंदर आपको मेन चार गियर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर ब्रेक पार्किंग लीवर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वाटर स्टोरेज के लिए भी कंपनी ने छोटा सा जो है कटआउट वगैरह दिया हुआ है। पैडल वगैरह की यदि हम बात करें तो मैसी फर्गूसन यहाँ पर भाई साहब सस्पेंडेड टाइप पैडल जो है अपकमिंग 2025 मॉडल के अंदर लेके आएगा, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पर भाई साहब आपको जो है लो हाई मीडियम का गियर देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ LPDU GPDU ग्राउंड PDU आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भाई साहब आप न्यूट्रल रिवर्स इकोनॉमिक जैसे कंपनी ने जो है 540 स्टैंडर्ड इकोनॉमिक या कहना चाहिए भाई साहब आपको PDU के अंदर चार गियर स्पीड दे दी है, जिसके कारण आप इस ट्रैक्टर में 24 गियर के सपोर्ट के साथ में बहुत अच्छे PDU का परफॉर्मेंस का मजा ले पाएंगे। क्लच वाइज यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको कंपनी डुअल क्लच देती है, जिससे आप हाफ अप्लाई के साथ ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन और फुल अप्लाई के साथ जो है आप इस ट्रैक्टर का PDU ऑपरेट करने वाले हैं। साथ ही साथ भाई साहब ट्रैक्टर स्मार्ट सीरीज का है तो भाई साहब स्मार्ट सीरीज वाले फीचर्स होने वाले हैं, रिमोट कंट्रोलिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है सेंट्रल लॉकिंग के साथ में, जिससे भाई साहब यदि आप एक बार ट्रैक्टर लॉक कर देते हैं पर चाबी से भी स्टार्ट करो तो नहीं होगा, मतलब अलमारी में ताला लग गया तो खुलेगा उसी चाबी से जो उसकी चाबी है भाई साहब, दूसरी चाबी से नहीं खुलेगा चाहे ट्रैक्टर की चाबी ला के लगा दो। साथ ही साथ सीट वगैरह की बात करें तो मल्टी एडजस्टेबल श्रेणी की सीट है, किसी भी कद काठी का कोई भी आदमी हो हर तरह का आदमी इस ट्रैक्टर की सीट पे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट ले सकता है। पिछले हिस्से में यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ भी कंपनी ने एक कंप्लीट पैकेज हमारे किसान भाइयों को दिया हुआ है, जैसे कि प्लेनेटरी ड्राइव रेयर एक्सल और साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पर हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब आपको मिल जाएंगे, जिससे आप बड़ी आसानी के साथ में ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए टूल बॉक्स और अपर लिंकिंग पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, सबसे नीचे वाले में रोटर वेटर चला लो, बीच वाले में कल्टीवेटर चला लो और भाई साहब ऊपर वाले में सीड ड्रिल वगैरह आप चला सकते हो। PDU वगैरह की बात करें तो 45.16 horsepower के साथ में मल्टी गियर स्पीड विथ 24 गियर सपोर्ट के साथ में PDU का शानदार परफॉर्मेंस मिलेगा। 2050 kg की बेहतर क्षमता वाली लिफ्ट कैपेसिटी मैसी फर्गूसन जो है इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर करता है। तो दोस्तों ये थी भाई साहब मैसी फर्गूसन के लेटेस्ट मॉडल मैसी फर्गूसन 254 DI डायना स्मार्ट का फुल रिव्यू वीडियो। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो दबा के लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान दोस्तों।